हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जो स्टेटस आता है इसे हाइड करना? आप ऑनलाइन होंगे फिर भी किसी को ऑनलाइन नहीं दिखेंगे। जैसा अभी आप मोबाइल में देख सकते हैं, ये जो आईडी है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक्टिव नाउ आ रहा है और मैंने ये आईडी अपने मोबाइल में दूसरे में ये लॉगिन कर रखी है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम इसके लिए हम कैसे ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों, इंस्टाग्राम में न्यू अपडेट आ गया है तो ये सेटिंग भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टाग्राम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है। पूरा इंस्टाग्राम चेंज हो गया है और यहाँ पे ऑनलाइन जो स्टेटस हम पहले ऑफ करते थे वो भी पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो वीडियो के लिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए, वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि इस तरह की मजेदार वीडियो आपके लिए चैनल देखने के लिए मिलती रहती है, ठीक है। दोस्तों, तो हम इस वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके यहाँ साइड में यहाँ थ्री डॉट देखने के मिलने हैं, तो आपके लिए थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपके लिए करना है यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, ठीक है। तो आपके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा इंस्टाग्राम यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे सेटिंग भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपके लिए न्यू सेटिंग बता रहा हूँ, आपके लिए यहाँ पे देखने के लिए कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक्टिव स्टेटस का ऑप्शन आता था पहले ऊपर, तो आपके लिए यहाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा वो ऑप्शन, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो हमारे लिए दोस्तों क्या करना है, वो ऑप्शन दोस्तों आपके लिए अंदर पहुँच गया, ठीक है। पूरी सेटिंग यहाँ से चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों, आपके यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं मिलेगा मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाइज का, ठीक है। तो दोस्तों, आपके लिए इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा आपके लिए। तो दोस्तों, आप लिए शो एक्टिविटी स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप लिए इस पर क्लिक कर देना है सिंपल तरीके से, और इसके लिए यहाँ से ऑफ कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद अब दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मतलब ऑनलाइन हूँ, ठीक है, ऑनलाइन हूँ। अब मैं दूसरे मोबाइल में यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं अब यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा हूँ या फिर नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मतलब यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार इसे होम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वो तो यहाँ से ऑफ कर दिया है, तो आप लिए यहाँ से होम जाके यहाँ पे बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप दोबारा से यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से मेरा स्टेटस अब ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, और दोस्तों यहाँ पे ये भी नहीं दिखा रहा है मैं कितने टाइम ऑनलाइन आया था आखिरी बार, कितने टाइम नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे किसी और का देखूंगा तो उसका देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव था, यहाँ पे 31 मिनट पहले यहाँ पे ये मतलब दोस्त ये एक्टिव था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपना इस मोबाइल से स्टेटस ऑफ कर दिया। तो दोस्तों, आप इसी तरह से ऑनलाइन स्टेटस के लिए ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह की मजेदार वीडियो आपके लिए इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है।